की बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। राजधानी तक के जिला ब्यूरो राजेश शिवारे द्वारा लगाई जा रही लगातार वन्य प्राणियों को लेकर और उनके अवशेषों को लेकर वन विभाग के आला अधिकारियों से लेकर वन कर्मियों का आरोपियों के साथ मिली भगत जैसी खबरों का सिलसिला जो सुचारू रूप से लगभग 2 वर्षों से जारी था, उसका खुलासा हो गया है। 3 आरोपी वन प्राणियों के अवशेषों के साथ और पैलोगिन के साथ घर दबोचे गए और हिरासत में लिए गए, जिनके पास वन प्राणियों के अवशेष और एक पैगोलिन सहित मोटरसाइकिल के साथ साथ 3 आरोपी को वन अमले ने घर दबोचा साथ जारी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश तिवारी। राजेश जी, बताइए किस तरीके से आरोपियों का खुलासा हुआ? जी अनामिका जी, मैं लगभग मतलब 2021 जनवरी से इस खबर पर अपडेट देते आया हूँ। चाहे वन प्राणियों की संदिग्ध अवस्था में मिले शव को लेते हो या वन प्राणियों का एक दूसरे के साथ युद्ध हो या फिर यूरिया जैसी बातें, जो बेवकूफ जैसी बातें वन विभाग कर रहा था प्रेस से, उस सब्जेक्ट की बात हो इत्यादि का समावेश है। और मैं आए दिन इस बात से हमारे प्रभारी मंत्री दादा ओम प्रकाश सखलीजा जी से लेके क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय मुनमुन और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से लेकर वन विभाग के उच्च अधिकारियों तक से सवाल पूछ चुका हूँ और इस बात की पुष्टि भी वन विभाग के उच्च अधिकारी अशोक मिश्रा द्वारा की गई है। वह वीडियो आज भी मेरे पास है कि किसी वन प्राणी का वरन किसी घरेलू मवेशी का यूरिया खा लेने से मृत्यु हो जाना ये असंभव है। उन्होंने भी ठीक बोला था और मैं भी इसे कह सकता हूँ और कोई भी किसान भाई कह सकता है कि कोई वन प्राणी क्या, कोई घरेलू जानवर तक यूरिया नहीं खा सकता। तो फिर वन विभाग ये बेवकूफ जैसी बातें मीडिया को क्यों बता रहा था कि यूरिया से उक्त वन प्राणी की जान गई है, वो भी भूख के कारण यूरिया खा जाने से। वही जनवरी माह में एक घटना घटित हुई थी जो चिकित्सक आज भी जिला जेल में बंद है। उसके द्वारा गरीब तबके व्यक्ति को और बेरोजगार व्यक्तियों को 5,000-10,000 रुपए की राशि एक झोला छाप चिकित्सक द्वारा प्रदान किया जाता था और वन प्राणियों बाघ या शेर के आपके चमड़े को मखमल की चादर और मूछ के बाल को ये आपके हीरा और दांतों को डायमंड इत्यादि जैसी बातों कोडवर्ड से कही जाती थी। और समय भी मैंने स्पष्ट किया था कि इस मामले को लेकर अगर आरोपी से सघन पूछताछ की जाए तो इनके तार अंतर राज्यों से लेकर अंतर राष्ट्रों तक जुड़े हैं, तो वन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं की गई, जबकि निरंतर बना विशेषों के साथ आरोपी पकड़ाए गए। वन विभाग ने भी पकड़ा है और वन पुलिस विभाग ने भी, और मिल रहे संदिग्ध अवस्था में वन प्राणियों के शव को भी लेके मैंने प्रश्न उठाया है। और NH-44 में एक्सीडेंट मामले, वन प्राणी की हुई एक्सीडेंट दुर्घटना, चलो मैं भी मानता हूँ, जैसे खबरों पर मैंने निशाना साधा है वन विभाग पर, तो कुछ लोग मुझे अपना उल्लू सीधा न होना भी बद बोल रहे थे। मतलब वो खुद की मानसिकता उस राजेश शिवहरे भी थोप रहे थे, जो राजेश शिवहरे हर समय कहता है कि जिले का कोई अधिकारी या कर्मचारी या कोई शीर्ष नेता या क्षेत्रीय विधायक राजेश शिवहरे पर आरोप नहीं लगा सकता कि वो किसी से एक चाय से दबा हो।
यहाँ तक पुलिस प्रशासन का अमला भी यह नहीं कह सकता कि राजेश शिवहरे ने सट्टा या जुआ या कोई भी अपराध जो चल रहा है जिले में अपराधियों के पास जाके कुछ पैसे की डिमांड किया हो या थाना प्रभारी से कहा हो कि इस क्षेत्र में यह आपराधिक मामला चल रहा है, उसकी एवज में मुझे अब जो भी है मैं बोलना नहीं चाहता। तो जब मैं वन विभाग की अपडेट देता था तो लोग कहते थे राजेश शिवहरे का उल्लू सीधा नहीं हो रहा है, इसलिए वन विभाग को आयदन निशाना बना रहा है। तो आज यह सिद्ध हो गया कि वन विभाग ने बाकायदा मतलब बाघ की हड्डियों और एक वन प्राणी पेंगोलिन के साथ तीन आरोपियों को एक मोटरसाइकिल के साथ धर दबोचा और न्यायालय में पेश किया और न्यायालय से रिमांड मांग कर अब पूछताछ जारी है। तो ये पूछताछ तो उस समय भी की गई थी जब चिकित्सक गिरफ्तारी हुई थी, तो आज दिनांक तक वन विभाग और चिकित्सक से नहीं उगला पाया कि अंतरराज्यों में या अंतरराष्ट्रों में आपके तार कहाँ कहाँ हैं। और वही जबलपुर के भेड़ाघाट चौराहा में दो आरोपी जिंदा पेंगोलिन वन प्राणी के साथ गिरफ्तार किए गए थे, जो दो व्यक्ति हमारे चीनी जिले के ही थे। जबलपुर क्राइम ब्रांच को जब इसकी जानकारी लगी तो भेड़ाघाट में नाकाबंदी की गई और दोनों आरोपियों को जिंदा पेंगोलिन के साथ गिरफ्तार किया गया और जबलपुर में कार्रवाई की गई। तो हर खबर पर मैंने अपडेट वन विभाग की दिया है, उसके उपरांत भी वन विभाग मीडिया को तरह तरह की भ्रांतियां और उनके अधीनस्थ चिकित्सकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मीडिया को गुमराह करता रहा है। लेकिन आज जब स्पष्ट हुआ कि पेंच नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व टीम ने तीन आरोपियों को धर दबोचा और पूछताछ जारी, तो नागपुर ले जा रहे थे। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि ये मोहगांव निवासी हैं तीन आरोपी, जो बाघ के अवशेष, अच्छा आरोपियों को कहना है कि हमारे द्वारा किसी भी वन प्राणी बाघ जैसे वन प्राणी का शिकार करके उसकी हड्डियों को संग्रहित कर ये जो व्यवसाय किया जा रहा है ये कोई नई बात नहीं है। हमारे पूर्वज भी यह कार्य में लिप्त थे, जो स्पष्ट है उन्होंने बोला है और वो कह रहे हैं कि इस कार्य में हमारे पूर्वज भी लिप्त थे और अभी दो या तीन महीने पूर्व ही उसी मोहगांव में एक आदिवासी समुदाय जो वन प्राणी के का वध करके बाकायदा उसे मटन बनाकर भोजन प्राप्त कर रहा था, तो यही वह नमले ने धर दबोचा था और वो आज भी जेल में है। तो फिर राजेश शिवहरे सही बोल रहा था या वन विभाग? तो इसकी सूक्ष्म जांच प्रदेश के वन मंत्री या उच्च अधिकारियों ने क्यों नहीं की? अब दादा प्रभारी मंत्री चाहे ओम प्रकाश सखलेजा जी हो या क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय जी हो या फिर फग्गन दादा कुलस्ते हो, मतलब इनमें मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए वन विभाग पर कभी यह सवाल तक नहीं पूछा। कई मीटिंग आयोजित की गई फग्गन दादा द्वारा भी और ओम प्रकाश सखलेजा दादा जी भी, उसके उपरांत इनके द्वारा वन विभाग से कभी ये नहीं सरोकार रखा गया कि राजधानी चैनल का राजेश शिवहरे आयदन आप पर आरोप लगा रहा है, निशाना साध रहा है,
और बाकायदा अपडेट दे रहा है कि क्या यह संभव है। और एक उच्च अधिकारी का कहना उस समय भी था और आज भी वो कह सकता है कि यूरिया खाने से किसी बद प्राणी तो दूर घरेलू जानवर की मौत नहीं हो सकती। तो यहाँ का किसान भाई भी इसका समर्थन किया है और मैं भी करता हूँ क्योंकि मैं भी कृषक हूँ। तो अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि पैगोलिन और बाघ की हड्डियों और अवशेषों को तस्करी का मामला सामने आया है। पेंच टाइगर रिजर्व की टीम ने बाइक से तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट के आदेश पर विभागीय अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। संभवतः 3 साल बाद इतनी बड़ी मात्रा में वन जीवों, वन प्राणियों और वन जीवों की हड्डियां बरामद की गई हैं। महगांव सड़क महगांव के पास सड़क किनारे पेड़ के पास बाघों की हड्डियां छिपा कर रखी गई थी आरोपियों द्वारा। उनकी निशानदेही पर हड्डियां जब्त की गई हैं। मामला कुछ इस प्रकार है कि पेंच के अमले को बुखबर से खबर मिली थी कि कुछ लोग बाइक पर बाघ और पैगोलिन की हड्डियां नागपुर की ओर लेकर जा रहे हैं। टीम ने बाइक क्रमांक MH31, अब आप यहां समझ सकती हैं कि उक्त पासिंग अंतरराज्य की है जैसे महाराष्ट्र की, तो क्रमांक MH31 CD 33-36 में सवार होकर आ रहे 3 युवकों को पकड़ा। उनके बैग में पैगोलिन के सल्क स्केल रखे मिले। पूछताछ में बताया गया है कि उक्त व्यवसाय हमारे पूर्वजों द्वारा लगातार किया जा रहा था जिसे हमने मूर्ति रूप दिया है। वहीं आरोपियों के पास से पैगोलिन की 2.4 किलो सल्क मिली जबकि बाघ की लगभग 5.5 किलो हड्डियां मिली हैं। पूछताछ में बताया कि उनके दादा परदादा के पास ये हड्डियां रखी थी, उन्हें भी बेचने के लिए नागपुर के एक व्यापारी के पास जा रहे थे। वन अमले ने बालाघाट के कटंगी के जरखड़ी निवासी निरपत पिता झनक लाल कुबरे कोरई के पोटिया निवासी अनिल प्रताप रोशन बरकड़े और मोहगांव के यादव निवासी आपके तिलक चंद पिता आपके घूरामन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्यवाही से न्यायालय के महान उच्च न्यायाधीश ने वन विभाग के आग्रह पर उन्हें रिमांड पर दिया है जिनसे पूछताछ जारी है। तो उस समय भी चिकित्सक को आपने वन विभाग ने रिमांड में लिया था और पूछताछ की थी, वो तो वन कर्मियों ने उस डॉक्टर को धर दबोचा था और आज भी वन के रेंजर और वन कर्मियों ने उक्त मामले में 3 आरोपियों को दबोचा है। तो यह आशा लगाई जा सकती है कि उन्हें जिला जेल में तो बंद कर दिया जाएगा जैसे कि उक्त डॉक्टर को किया गया है, लेकिन कभी वन विभाग ने और चिकित्सक से पुलिस की भांति कड़ा रुख अपना कर जहाँ मानव अधिकार का प्रयोग करने वाले ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग
और उनके ठेकेदार मानव अधिकार जैसी बातें करते हैं, ये मानव अधिकार के ठेकेदार ये क्यों नहीं जानते कि चाहे वन विभाग के वन प्राणियों या जंगल की संपदा हो या किसी असामाजिक तत्व द्वारा समाज के किसी व्यक्ति को अकारण मौत के घाट उतार देने वाले व्यक्ति पर क्यों ना पुलिस अपना कड़ा रुख अपनाए या जैसे वन विभाग अपनाए। तो ये मानव अधिकार वहां काम नहीं करना चाहिए। सेना की एक युति में भले ही उसके परिणाम जो रहे हो, उसने बाकायदा कही थी, वो वीडियो आज भी मेरे पास है, कि जब हमारा सिपाही उस चाहे कश्मीर हो या फिर किसी भी विवादित जगह पर राइफल से निकली गोली अगर उस व्यक्ति को नहीं लग रही है और धोखे से किसी को लग गई, तो ये मानव अधिकार बीच में आ जाता है। तो उसे क्या गलत कही कि हम सैनिक पिटते रहे, गवर्नमेंट को इससे सरोकार नहीं है, लेकिन हमारी रिवॉल्वर से या राइफल से निकली गोली अगर उस आतंकवादी को न लगकर किसी निर्दोष को लग जाती है, तो यह मानव ठेकेदार, मानव अधिकार के ठेकेदार प्रशासन को लेके वर्तमान सरकार पर और यहाँ तक उस सिपाही महिला ने जो कहा है कि सैनिकों पर मानव अधिकार जैसा थूक कर उस पर कार्रवाई करता है, ये कहाँ का उचित है। उस युवती ने गलत नहीं कहा, मुझे गर्व है उस युवती पर कि वो आज सेना के उस बॉर्डर पर लड़ती है कि उसके साथ यह घटना कल हो जाए तो ये मानव अधिकार के ठेकेदार उस पर भी कार्रवाई कर बैठेंगे। वो अतीत का पन्ना था और कानून व्यवस्था ने उसे उसके विरोधाभासी समझा और उस पर कार्रवाई की, जबकि वो न्याय संगत बात कर रही थी, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मैं क्यों ना अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश के वन मंत्री और केंद्र के वन मंत्री और वन विभाग के उच्च स्तर के अधिकारियों से यह अनुरोध करूं कि जब मैं 2 साल से कहते आ रहा हूं कि सिवनी विभाग के वन विभाग के उच्च अधिकारी से अधिकारी अगर निचले स्तर का रेंजर हो या डिप्टी रेंजर या वन विभाग का वन रक्षक हो या वन कर्मी हो, अगर अवैध व्यवसाय वो भी वन प्राणियों के अवशेष हो या वन प्राणी की हत्या पर सवाल लगा रहा हो राजस्व भरी टाइप, तो उसका मुंह भी चुप कराते हैं आप और पूछताछ के लिए जब रिमांड में लेते हैं तो पता लगा हासलाइशन जिला जेल में आज ही वह चिकित्सक बंद है और बाकायदा मुझे जानकारी है कि उस चिकित्सक की सेवा ठीक उस प्रकार की जा रही है, ये घर में जैसे मैं कूलर में सो रहा हूँ इत्यादि जैसी उसको सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसी जानकारी मुझे चाहे कैदी दें या जेल प्रहरी दें, अगर आपके मुखबिर या पुलिस के मुखबिर अपने अपनी जगह पर हैं, तो राजेश सेवर अगर पत्रकारिता क्षेत्र में उतरा है तो उसके भी मुखबिर जगह जगह हैं। तो सवाल यह उठता है कि अब ये 3 आरोपियों से जो वन विभाग पूछताछ करेगा उसका इंतजार जिलेवासियों को भी है और सबसे ज्यादा राजधानी चैनल के राजेश सेवरे को है कि देख अब यह देखा जाएगा भविष्य में कि क्या उस चिकित्सक जैसे इन्हें जिला जेल में बंद कर दिया जाएगा या फिर कड़ी पूछताछ करके, क्योंकि गाड़ी एमपी से बिलोंग नहीं करती, अब ये गाड़ी महाराष्ट्र पासिंग है। तो जो राजेश सिंहारे ने अनुमान लगाया था कि अंतर राज्यों से लेकर अंतर राष्ट्रों तक इन गिरोह के तार जुड़े हैं, तो ये पासिंग तो बता रही है कि ये अंतर राष्ट्र का विषय है, गाड़ी जरूर वहां की है, तो उसमें आरोपी भी
कोई ना कोई महाराष्ट्र में रह रहा होगा या महाराष्ट्र से उसके तार जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, जिससे आर्डन संदिग्ध हालत में शव मिल रहे हैं और उन पर पर्दा डालने के लिए वन विभाग मीडिया से लेकर जिलेवासियों को गुमराह करता है, तो राजेश जौहर रोकने वाला नहीं है। हड्डियों का जखीरा रखा था, मतलब आरोपियों के पास में जो भी सामग्री रखी थी, पूछताछ में बताया गया कि उसका दादा परदादा के पास ये हड्डियां रखी थी, उन्हें भी बेचने के लिए नागपुर एक व्यापारी के पास जा रहे थे। इसका मतलब जब परदादा से लेके उक्त परिवार सिर्फ अपना जीवन यापन इसी धंधे में कर रहा है, एक महंगा अकेले के ये तीन युवक क्यों? ऐसे समूचे जिले में बहुत से आरोपी हैं जिनके तार जुड़े होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने बताया कि भेड़ाघाट चौराहे पर जिंदा वन प्राणी आपके पैगोलिन के साथ क्राइम ब्रांच जबलपुर ने गिरफ्तार किया था, तो उससे भी जिला के वन अमले ने पूछताछ करना मुनासिब नहीं समझा। तो मुझे लगता है कि इन तीन आरोपियों पर अगर उच्च स्तर की जांच बैठा ली जाए और पूछताछ निष्पक्ष की जाए, तो अंतर्राज्यों और अंतर्राष्ट्रों में इनके तार होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी अनामिका जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बेटा।